प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उत्तराखंड का दौरा प्रस्तावित है। उनके दौरे का संभावित कार्यक्रम प्रशासन को मिल चुका है, जिसको लेकर के प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी है। प्रधानमंत्री मोदी सबसे पहले अल्मोड़ा के जागेश्वर धाम पहुंचेंगे, वहां पिथौरागढ़ में विशाल जनसभा को भी संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उत्तराखंड दौरे को लेकर कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी और रेखा आर्या ने बीजेपी कार्यकर्ताओं और अधिकारियों की बैठक ली। मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि पीएम मोदी के उत्तराखंड के दौरे में पहाड़ी प्रदेश का टूरिज्म बढ़ेगा। कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या ने कहा कि पीएम मोदी के जागेश्वर धाम आने से जागेश्वर धाम का केदारनाथ की तरह डेवलपमेंट होगा। देखिए, बहुत सौभाग्य की बात है कि प्रधानमंत्री मोदी जी का दौरा जो है वो जागेश्वर धाम की ओर भी बन रहा है। मैं समझती हूँ कि हम सबके लिए बहुत गर्व का विषय है, और अब मुझे आगे उम्मीद ये है कि जिस प्रकार से केदारनाथ का डेवलपमेंट हुआ है, ठीक उसी प्रकार से अब जागेश्वर धाम का भी डेवलपमेंट होएगा। और मुझे लगता है कि विश्व के नक्शे पे जो है वो जागेश्वर धाम भी जो है छाने का काम करेगा। और मुझे लगता है कि उनकी तैयारी के परिप्रेक्ष्य में जिस प्रकार से हम सब लोग, पूरी सरकार भी लगी हुई है, पूरा प्रशासन लगा हुआ है, चाहे वो सड़कों के संदर्भ में हो, चाहे व्यवस्थाओं के संदर्भ में हो, चाहे लोगों के संख्या के संदर्भ में हो, लोग स्वयं भी आने के लिए, चूँकि पिथौरागढ़ में एक बड़ी सभा होनी है, उसकी तैयारियों के परिप्रेक्ष्य में हो, तो पूरी तैयारियां जो है वो सरकार की ओर से भी, प्रशासन की ओर से भी, और लोगों का अपने आप ही एक हुजूम उनके प्रति एक आकर्षण है, आने को तत्पर बैठा हुआ है। तो मुझे लगता है कि बहुत जो हमारा लक्ष्य है कि हम हमारी जो संख्या है कि हम 1 लाख से ऊपर की संख्या में हमारी जो ये सभा होगी, उसकी तैयारियां लगभग पूरी की गई हैं। देश के सुस्ती प्रधानमंत्री जो भारत के नहीं आज विश्व के नंबर एक नेता हैं, हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है। उत्तराखंड में आ रहे हैं, सबसे पहले उनका जागेश्वर जाने का प्रोग्राम है, उसके बाद आदि कैलाश जाएंगे, और उसके बाद पिथौरागढ़ में उनकी विशाल जनसभा होने जा रही है। कार्यकर्ताओं में बहुत उत्साह है, क्योंकि मोदी जी का उत्तराखंड से विशेष लगाव रहा है। वो जब जब भी यहाँ पर आते हैं, उत्तराखंड में कुछ ना कुछ देकर जाते हैं, और कहते हैं कि महापुरुषों के चरण जहाँ पर पड़ते हैं वहाँ का कायाकल्प हो जाता है।